देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग चाचा ने दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। नाबालिग के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। लोहाघाट थाने के SHO शिव कुमार ने बताया, लोहाघाट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा से उसी के गांव के युवक के द्वारा लंबे समय से दुष्कर्म किया जा रहा था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसने बुधवार को चंपावत जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। SHO ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का मेडिकल कराकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जांच SIG यादव के द्वारा की जा रही है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, दोनों अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में है। चंपावत जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। विवेचना जारी है, विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।